आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दसवीं कक्षा के रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ठीक है टोटल इस चैप्टर में जो है हम लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करेंगे बच्चों पचानवे आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन इस लेक्चर में पहला पार्ट में हम लोग जो है पचास ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग चालीस यानी पैंतालीस फोर्टी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आपका एक तरफ से एक एक करके आपका ऑप्शन जो यह ऑब्जेटिव जो है आपका स्क्रीन पर आते रहेगा आपको क्या करना है चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही करके आपको कमेंट करना है ठीक है लगातार आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए पचास जो है आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उठाया गया है और टोटल इस चैप्टर से पचानवे ऑब्जेक्टिव का सोल्यून करेंगे जो आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ठीक है चलिए पहला प्रश्न आपका आ रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है यानी कि एक रासायनिक समीकरण है बच्चों और इसके दोनों पार मतलब कि इधर भी कुल भार और इधर भी दोनों तुल्य होता है तो ये किस प्रकार का रासायनिक समीकरण होगा ऑप्शन ए संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन बी का कंकाली रासायनिक समीकरण ऑप्शन सी ए और बी दोनों डी में सभी उत्तर गलत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों जब दोनों तरफ क्या होता है परमाणु का भार बराबर होता है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है यानी कि आपका बैलेंस कहलाता है ठीक है लेकिन आप लोग इसको भी जान लीजिए कंकाली किसको बोला जाता है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है ठीक है अगला प्रश्न है आपका दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन आपका रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है यानी कि जो रासायनिक समीकरण होती है केमिकल इक्वेशन उसको उपयुक्त बनाने के लिए इसमें से जो है कौन जो है उपयोगी नहीं है ऑप्शन ए भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था का निरूपण ऑप्शन बी उषमा का दर्शाना ऑप्शन सी सीक्षेप का दर, को दर्शाना ऑप्शन डी सूत्रों को मातृभाषा में लिखना देखिए हम लोग भौतिक अवस्था को दर्शाते बच्चों सॉलिड लिक्विड और गैस के रूप में उषमा को दर्शाते हैं हीट के रूप में हेट अगर जनरेट होता है उषमा छिपे और उषमा सोशिया बिग्रह के रूप में अक्षेप का तो निर्माण होता है तो अगर हम लोग तीर को रूप में इस तरह से दर्शाते बच्चों नीचे जगह की ओर लेकिन हम लोग सूत्र को जो है मातृभाषा में नहीं लिखते क्या किसी भी सूत्र को आप मातृभाषा में लिखते हैं बंगाली मराठी इस तरह से नहीं न जो उसका संकेत होता है उसी अनुसार लिखना पड़ता है ठीक है चलिए प्रश्न संख्या तीन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो सूचना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है कौन सा इन्फॉर्मेशन आपका जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है नंबर ए ए ऑप्शन है आपका प्रतिक्रिया के रंग ऑप्शन बी प्रतिक फलों के मोलों का अनुपात ऑप्शन सी अभिकारों के के सूत्र अभिकारकों में उपस्थित परमाणु तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्यों क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण से कि प्रतिक्रिया का रंग क्या है जैसे अगर एस और सी एल टू मिल करके बना रहा बच्चों एस तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग को पता नहीं चलता है कि एस जो है किस कलर का है ठीक है इसको आप बता सकते हैं कि एस सी पर जो बना किस कलर का है नहीं ना तो रासायनिक समीकरण से हम लोग को इसका पता नहीं चलता है प्रश्न संख्या चार कह रहा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है समान नहीं होती है तो समान नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण तो, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या जा पांच कह रहे हैं बच्चों निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है संतुलित हमको देखना है यानी कि दोनों ओर पर्थक तत्व की परमाणु संख्या समान है देखिए तो इधर हाइड्रोजन दो है इधर हाइड्रोजन एक है तो ये गलत हो जाएगा आपका एस इधर दो है और इधर भी दो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा क्लोरिन इधर भी दो है और इधर भी दो है तो मतलब ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा ठीक है तो पांच का ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा प्रश्न छह निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है असंतुलित आपको इसमें से निकालना है तो देखिए असंतुलित जो है आपका इधर देखिए सबसे पहले जो है एफ ई प्लस सी एल टू मिल करके बना रहा है टू एफ ई सी एल तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जो है इक्वेशन जो लिखा गया है ये गलत इक्वेशन को लिख दिया गया है ठीक है ऑप्शन ब जो है आपका टू एफ ई प्लस थ्री सी एल टू मिल करके बनाना ये तो ये आपका क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा थ्री टू या सिक्स ऐसे करके ये आपका संतुलित होगा टू यहाँ पर देखिए टू पी बी एन ओ थ्री का हल टू टू पी बी ओ यहाँ पर तो ऑक्सीजन को अगर देखेगा तो इधर ऑक्सीजन कितना है दो 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 चार और एक पाँच तो चार और दो छः और एक साथ है बच्चों जबकि इधर कितना है छः ही है तो ये आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा इसमें से तो छः नंबर का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा प्रत्यं यहाँ सात कह रहा है एम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाना है एम जी यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है यानी कि ये किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है बैलेंस है या अनबैलेंस है तो कंकाली रासायनिक समीकरण है यानी कि असंतुलित है संतुलित है उसमा छपी रायन उषमा शोशिया बिक्रिया है उसमें छेपिया रासायनिक समीकरण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका देखिए तो दोनों तरफ क्या है परमाणु के प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रश्न संख्या जो आपका आठ है जो आपका एफ ई और एच टू ओ मिलकर के बना रहा है एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फर किसको बोलाया था बच्चों आप लोग को याद रखना है बहुत बार ये पूछा गया आपका एफ ई थ्री फोर जो है आपका मैग्नेटाइट को बोलाया था ठीक है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू बना रहा है और को संतुलित करने पर जल के जल में अणु की संख्या कितनी होगी यानी कि इसको पहले संतुलित कर लीजिए उसके बाद आपका आंसर आसानी से बन जाएगा एफ ई प्लस एच टू ओ एच टू ओ मिल करके बना रहा है बच्चों एफ ई थ्री एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू ठीक है अब हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो है जल का जो है जल का जो है अणु की संख्या कितनी होगी तो अणु की संख्या कितना किसको बोलते हैं बच्चों जो उस उस अणु के सामने में जो कॉफिशेंट यानी कि गुणांक के रूप में जितना यहाँ पर आएगा संतुलित करेंगे तो वही उसका क्या कहलाएगा अणु की संख्या कहलाएगा तो अणु की संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हाइड्रोन देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोन कितना बच्चों दो तो यहाँ पर हाइड्रोन दो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना एक यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच्चों देखे तो इधर कितना है चार तो यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर चार डालना पड़ेगा डालना पड़ेगा कि नहीं संतुलित कर लेते हैं हम लोग एफ ई इधर थ्री थ्री है तो इधर भी थ्री डालना पड़ेगा और इधर हाइड्रोन कितना चार दोनों आठ तो यहाँ पर भी आ, दो ये चार डालना पड़ेगा ठीक है तो हाइड्रोन यहाँ पर जल का परमाणु यहाँ पर अणु की संख्या कितनी हो जाएगी जो चार तो ऑप्शन सी जो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आठ नंबर का प्रश्न का चलिए अगला प्रश्न है आपका नौवा नंबर का कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध जो है क्या क्या करके बनते हैं यानी कि ए आबंध के टूटने से आबंध के जुड़ने से ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं तो बच्चों क्या होता है कि पहले आबंध क्या होता है पहले टूटता है और टूटने के बाद फिर ये जुड़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी जो है दोनों सही हो जाएगा ठीक है ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न यहाँ दस कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण का अभि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है ऑप्शन ए ये रूप सांकेतिक रूप पूर्ण रूप इनमें से कोई नहीं तो क्या है बच्चों यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता या है यानी कि संक्षिप्त रूप तो ऑप्शन ए आपका दस नंबर का सही हो जाएगा प्रश्न ग्यारह कह रहा है द्रमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रमान संरक्षण का जो सिद्धांत है बच्चों इसके अनुसार क्या होता है नंबर ऑप्शन ए द्रमण का नाश नहीं होता है ऑप्शन बी द्रम्मा का निर्माण नहीं था, C, होता है ऑप्शन सी उत्पाद तत्वों में कुल द्रमण अभिकारक तत्वों के कुल द्रमण के तुल्य होता है इनमें से सभी तो हम लोग जानते हैं द्रमण संरक्षण के सिद्धांत जो आप लोग नाइन्थ कक्षा नाइन्थ में पढ़े होंगे बच्चों की क्या होता है इसमें द्रम्मा का न तो निर्माण किया जा सकता है न तो नाश यानी कि इसमें द्रमण का नाश भी नहीं होता है निर्माण भी नहीं होता है और पड़ते तत्वों के जो है भार समान होता है तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग ग्यारह बारहवें नंबर का जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीजन का क्या होता है वृद्धि ऑक्सीजन का बढ़ना ठीक है ऑक्सीजन का बढ़ना आप लोग किस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीजन का बढ़िया उपचैन यानी कि आपका ऑक्सीकरण तो यहां पर औ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है चले प्रश्न संख्या तेरह है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ग्लूकोस तो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा सी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपका चौदह नंबर का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग जैसे ये तीर है बच्चों तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ इधर इधर वाला जो पदार्थ है भाग लेता है और भाग लेकर एक, ले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको बोलते हैं भाग लेने वाला पदार्थ तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों अभिकारक के रूप में तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा चौदह नंबर का प्रश्न संख्या पंद्रह है निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा जो आपका अभिक्रिया का लक्षण नहीं है यानी कि इसमें कौन सा जो है गुण नहीं है रंग परिवर्तन रंग में तो परिवर्तन होता ही है बच्चों गैसों का निकलना गैस तो निकलता है का बनना अभी का तापमान स्थिर रहना तो ये आपका ऑप्शन जो जो है डी जो है आपका आपका डी गलत हो जाएगा ठीक है क्यों गलत हो जाएगा बच्चों आपका क्योंकि यहां पर जो है आपका का जो ताप है बच्चों वो बढ़ते घटते रहता है अगर हीट ज्यादा जनरेट होगा तो उसमें छिपी होगा अगर हीट की जरूरत पड़ेगी तो उसमें सोसी होगा तो ये ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न संख्या सोलह देख रहे हैं हम लोग Fe2O3 ई टू प्लस टू एल ए एल यानी कि जो है आपका हेमेटाइट और ये क्या बोलते हैं एल्मूनियम दोनों मिलकर बनाना है ए एल टू ओ थ्री और आयरन एफ ई बना ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ए एल यानी कि जो एल्मोनियम है ये जो है क्या कर रहा है आयरन के आयरन के जी एफ यानी कि गर्ल फ्रेंड को लेकर भाग रहा है यानी कि जो है एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन को लेकर के भाग रहा है तो यहाँ पर किस प्रकार का मैंने बताया था जब कोई जो तत्व है दूसरे के जीएफ को लेकर भागेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया दूसरे को मतलब क्या कर देगा बच्चों हटा देगा उसके जीएफ को छीन लेगा तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, सत्रह है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है यानी कि दहन, दहन समझते ना आप लोग दहन क्या होता है बच्चों वहां पर क्या होगा दहन में जो है आपका उष्मा का यानी कि जैसे कार्बन को कोयला को जलाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिग्रिया कराएंगे और जलकर करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में साथ में ये प्रकाश भी जनरेट करेगा और जो बच्चों ये आपका हीट देगा तो बाद में जो 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 जहाँ पर जिस अभिक्रिया में प्रोडक्ट के रूप में यानी कि प्रतिफल के रूप में हीट जनरेट होता है उषमा निकलता है उसको क्या बोलते हैं आप बच्चों उषमा छपी अभिग्रिया तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा प्रश्न यहाँ अठारह कह रहा है शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न यह आपका लगभग लगभग पाँच छह पूछा गया बोर्ड में ठीक है तो इसको अच्छी तरह से याद रखना आपको तो शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है ऑप्शन ए उपचयन ऑप्शन बी संयोजन ऑप्शन सी उष्मा छेपी ऑप्शन डी ऊष्मा शोषी तो हम लोग जानते हैं शोषण प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों ऊष्मा का यानी कि उष्मा निकलता है हीट यानी एनर्जी का निर्माण होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उषमा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा यानी कि ऑप्शन जो सी आपका वो आपका सही हो जाएगा ठीक है उषमा छेपी अगर नहीं मानते आप लोग तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन यहाँ मतलब कि ग्लूकोज जो, जो होता है आपका वो टूटता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स जो होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ये किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, साथ टूटता है क्रिया करके और ऊर्जा बनाता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा तो ये जब भी हम लोग जानते हैं प्रतिफल के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उषमा छेपी अभी कहा जाता है प्रश्न उन्नीस कह रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि एन ए ओ एच ठीक है की अभिक्रिया किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनती है कौन सा अभिक्रिया यानी कि एन किसके साथ एस के साथ अभिक्रिया करके बनाता है बच्चों एन एस सी यानी कि लवन और जल बनाता है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है तो लवन का निर्माण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है चले प्रश्न बीस कह रहा है आपका रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलत फलित वस्तु से आदि वस्तु प्राप्त की प्राप्ति ऑप्शन ए होगी नहीं होगी होगी और होगी हो और नहीं भी हो सकती है सभी उत्तर सत्य है यानी कि कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों वहाँ तो पर मान लीजिए कि ये ये पदार्थ है इसका रासायनिक परिवर्तन होता है क्या जब ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा इस पदार्थ में तो क्या ये अपने मूल रूप में आ पाएगा आ पाएगा क्या नहीं 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 रासायनिक परिवर्तन में जो है इसका गुण भी बदल जाता है आकार भी बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है तो वापस जो है अपना वा जो है पुराना वाला वस्तु जो है आपको प्राप्त नहीं होगी तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है नहीं होगी चलिए प्रश्न इक्कीस कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है साग सब्जियों का विघटित होकर के टूट करके कंपोस्ट बनना तो जैसे कंपोस्ट बनता तो है बच्चों यहां पर क्या होता है हीट जनरेट होता है एनर्जी की उत्पादन होती है तो यहां पर उस्मा निकलती है तो यहां पर कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा आपका उषमा छेपी अभिग्रिया तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा प्रश्न बाइस कह रहा है बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन बच्चों ये आपका जो है दो हजार चौदह में पूछा गया दो हज़ार सत्रह में पूछा गया ठीक है ध्यान रखना अपना चलिए प्रश्न बाइस कह रहा है आपका एजीसीएल यानी कि अर्जेंटम क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अर्जेंटम और कलोरिन में बढ़ गया सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया किस प्रकार का है ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया ऑप्शन ऑप्शन बी सी अवघटन डी इनमें से कोई नहीं तो आप लोग जैसे यहां पर देख सकते बच्चों पर रिएक्शन में क्या हो रहा है एक एक योगीक, एक यौगिक यौगिक जो है दो छोटे छोटे तत्वों में टूट रहा है यानी कि जो छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है तो टूटना मतलब कि अवघटन होना तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा ठीक है प्रथसंख्या बत्तीस तेईस ले रहे हैं हम लोग जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है यानी कि ऊर्जा पूर्ण होने की अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है ठीक है तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऊर्जा निकलती है उसमें हम लोग बोलते हैं उषमा छिपी और जिसमें उषमा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं उषमा शोषी तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा उसमें सोशी अभिक्रिया प्रश्न चौबीस कह रहा है आपका एफ ई प्लस सी यू एसओ फोर मिलकर बना रहा है एफ ई एसओ फोर प्लस सी यू ये अभिक्रिया का उदाहरण है आप लोग जैसे देख लीजिए तुरंत इससे पहले हम लोग एक इसी पर, इसी पर पर आधारित क्वेश्चन को बनाया तो यहाँ पर क्या कर रहा है एफ ई जो है आपका सीयू एसओ फोर से सी यू को भागा दे रहा है यानी कि सी यू एसओ फोर में सीयू का जो जीएफ है एसओ फोर उसको लेके उड़ गया तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों विस्थापित कर दिया कॉपर को, को अलग कर दिया विस्थापित करना तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा उत्थापन अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौबीस नंबर का क्या पच्चीस कह रहा है एन ए टू एसओ फोर यानी कि सोडियम सल्फेट मिलकर के किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बैरियम क्लोराइड बी एस सी एल टू के साथ अभिक्रिया बी एस सल्फेट यानी बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है इस अभिक्रिया में बीएस यानी कि बैरियम सल्फेट का सोवेद अब बनता है अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं यानी कि इसमें कौन सा अवक्षेप बनता है बच्चों सवेद कलर का स्वेद रंग का तो इसमें इसको इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बच्चों तो अवक्षेप प्राप्त होता है हम लोग जानते हैं जिसमें जिस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में कोई पदार्थ ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तो ऑप्शन जो आपका ऑप्शन जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अक्षेपन अभिक्रिया प्रश्न संख्या छब्बीस कह रहा है वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं यानी कि आयन आयन जो समझते ना प्लस माइनस है ना ये प्लस माइनस से जाके जुड़ेगा माइनस प्लस जो है माइनस से जुड़ेगा और माइनस जो है प्लस के साथ आयनों का आदान प्रदान होगा तो कौन सा अभिक्रिया वियोजन संयोजन द्विस्थापन इनमें से कोई नहीं तो कौन सा अभिक्रिया होता है हम लोग जानते हैं बच्चों इसमें द्विवस्थापन यानी कि दो पदार्थ जो है दो यौगिक अपने अपने आयनों का क्या करता है आदान प्रदान करता है प्रश्न संख्या छब्बीस का सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या सत्ताईस है बच्चों निम्न में कौन अभिक्रिया लक्षण है यानी कि इनमें से कौन सा जो है गुण है अभिक्रिया का एक लक्षण है अभिकारक के रूप में परिवर्तन होना ताप का जन, का उत्सर्जन उत्सर्जन इन प्रकाश इनमें से सभी तो पर पर कौन सा लक्षण है तो अभिकारकों का स्वरूप में परिवर्तन तो होता ही है बच्चों है ना जैसे एस और सीएल मिलता है तो एस बना रहता है स्वरूप में परिवर्तन हो गया ताप में तो ताप तो कभी घटता है कभी बढ़ता है उसमें छुपी उसमें छुपी सोशी जो है प्रकाश का उत्सर्जन प्रकाश भी उत्सर्जित होता है बच्चों इनमें से सभी तो यहां पर क्या हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन जो डी आपका है वो सही हो जाएगा ठीक है प्रश्न संख्या अट्ठाईस कह रहा है वह अभिक्रियाँ जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है यानी कि दोनों दिशाओं में बच्चों इस प्रकार से ये इस तरफ होती है तो ये दोनों डायरेक्शन में यानी कि अगर ये पदार्थ जो है बद, बदल करके इस रूप में बदल रहा है तो ये पदार्थ जो है वापस इस रूप में भी आ सकता है तो इसको कौन सा अभिक्रिया में मतलब क्या कहेंगे इसको ए ऑप्शन अनुत्क्रमणीय दूसरा उत्कर्मणीय विघटन इनमें से कोई नहीं तो इसको क्या बोलते बच्चों हम लोग जानते हैं उत्कर्मणीय तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या उन्तीस कह रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती रही है यानी एक ही दिशा में सीधा एक ही दिशा में दूसरी दिशा में इसमें अग्रसर नहीं हो पाती है तो इसको क्या बोलते हैं अनुत्कर्मीय जो दोनों दिशा में होगा तो उसको उत्कर्मणीय और एक ही दिशा में होगा तो अनुत्कर्मी तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथा तीस कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड प्रावैग्ञनिक किरणों की उपस्थिति में हाइड्रोजन और आयोडाइड में बढ़ गया यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है प्रकाशीय अपघटन को वियोजन को संयोजन को इनमें से कोई नहीं देखिए तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया टूट गया दो छोटे छोटे पदार्थ में तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में टूटा प्रावैग्निक किरण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पर प्रकाशीय अपघटन यहाँ तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए प्रश्न क्या इकतीस कह रहा है वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा विघटित होती है यानी कि प्रकाश के अवशोषण अवशोषण यानी कि यहाँ पर जो है हीट उसको लग रहा है पूर्ण होने के लिए तो कौन सा यहाँ पर होगा बच्चों अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उषमा शोषी अभिक्रिया जो है उषमा छेपी अभिक्रिया डी इनमें से कोई नहीं तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ठीक है चलिए अगला प्रश्न है आपका बत्तीस नंबर का शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है शोषण जो है किस प्रकार की इसको हम लोग पहले भी बना लिए एक बार ये क्वेश्चन आ गया तो दोबारा आ गया बच्चों रिपीट हो गया है तो यहाँ पर शोषण जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है शोषण के पश्चात जो है ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर जो है उसमें छेपिया की अभिक्रिया हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा प्रश्न यहाँ तैंतीस कह रहा है चूने से दीवारों पर सफेदी करने के लिए भूजा हुआ चूना भूजा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है यानी कि सी ए ओ एच का होल्टू और इसमें से जब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से अभी की जाकर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनता है जो दीवार को क्या कर देता है चमकदार बना देता है वो कौन सा चमकदार पदार्थ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड इनमें से कोई नहीं तो जो है चमकदार बना देता है तो चमकदार क्या हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन ए आपका कैल्शियम कार्बोनेट सही हो जाएगा ठीक है कौन सा सही हो जाएगा बच्चों आपका कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है चले प्रश्न संख्या चौंतीस है जिस अभिक्रिया तो में अपक्षेप का निर्माण होता है यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो अक्षेप का निर्माण होता है यानी कि तीर के रूप में हम लोग नीचे की ओर दर्शाते हैं तो कौन सा होगा विस्थापन अक्षेपन संयोजन वियोजन तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा अपक्षेपन अभिक्रिया प्रश्न संख्या पैंतीस कह रहा है निम्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया जानते हैं ना जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया तो यहाँ पर देखिए एस टू और सीएल टू मिलकर के एस सी एल बना रहा है सीए सीओ थ्री टूट करके सीओ और सीओ टू बनाता है एनएच एन एच मिलकर के NaCl -E और एस बना रहा है ये दोनों मिलकर के क्या बना है अवक्षेपण तो ये अवक्षेपण अभी गिरा है ये जो आपका उदासीन के नाम पर गिरा है यहाँ पर ये आप घटना है तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो ए है आपका वो सही हो जाएगा ये आपका जो है रेडॉक्स अभी गिरा है बच्चों ठीक है H2 और सी मिलकर के बना रहा है चले पढ़ा था आप छत्तीस जो है आपका कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन ए वियोजन ऑप्शन बी उपचैन अपचैन ऑप्शन सी विस्थापन ऑप्शन डी संयोजन तो इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों यहाँ पर दो पदार्थ तो दो पदार्थ जुड़ रहा है और जुड़ गए एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका जो है आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा प्रथम क्या रहा है चुना पत्थर को उषमा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है यानी कि चूना जो है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर ये इसको जब हम लोग हीट देते हैं उषमा देते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में इस अभिक्रिया को किस अभिक्रिया यानी किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए दो अवघटन ऑप्शन बी संयोजन वियोजन उषमा छेपी अभिक्रिया तो यहां पर क्या होगा बच्चों हम लोग का वियोजन यानी कि टूट रहा है टूट करके बना रहा है दो पदार्थ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया प्रश्न किया अड़तीस कह रहा है सी ए सी ओ थ्री टूट करके बन रहा है सी ए ओ और सी ओ टू उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार का है 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपका किस प्रकार का अभिक्रिया है तो ऊपर में हम लोग अभी ये जाने तुरंत तो ये आप घटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया है ठीक है थीके? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा प्रश्न या उनतालीस कहरा निम्न में उषमा छेपी अभिग्रह कौन है यानी कि इनमें से जो है कौन सा अभिक्रिया जो है उषमा छेपी तो हम लोग जानते हैं प्रतिफल के रूप में अगर उषमा का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर उष्मा छिपी हो जाएगा तो पहला ऑप्शन में देखिए प्रतिफल के रूप में उष्मा बन रहा है तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा है ना तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न किया चालीस कैरा नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत है टू बी ओ यानी पी बी ओ लेड ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ अभिक्रिया करके पी बी प्लस सी ओ टू बना रहा है तो ये किस प्रकार का यहाँ पर कह रहा है कथन ए कह रहा है सीसा जो है अपचयित हो रहा है दूसरा कथन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है चौथा है आपका लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा आपका कथन जो है आपका बच्चों असत्य होगा जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ये आपका ऑप्शन जो है कथन गलत हो जाएगा ठीक है ऑप्शन जो है आपका दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों वन सेकंड यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऑप्शन में आपको करना है एक दो ए ऑप्शन है एक और दो दोनों बी है दो और चार ऑप्शन सी है एक दो तीन इनमें से सभी तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन छोटे बच्चों यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दो और चार यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड उपचैत हो रहा है उपचित हो रहा है और चार नंबर में लेड ऑक्साइड उपचित हो रहा है तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है चले संख्या हम लोग इकतालीस को ले रहे हैं संख्या इकतालीस को ले रहे हैं निम्न में कौन सी निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग में युग में जो है हमेशा साथ साथ होता है यानी कि कौन सा जो है अभिक्रिया जो होती है कौन सी अभिक्रिया युग में जो है वो साथ साथ में होता है तो हम लोग जानते हैं रेडोस अभिक्रिया यानी कि जो है उपचैन और अपचैन यानी जिसको हम लोग किसके जानते हैं जानते हैं ऑक्सीकरण और अपकरण तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है आपका बयालीस नंबर का निम्न में कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उत्कर्मणीय क्या होता है बच्चों दोनों दिशा में होगा इस प्रकार से इस प्रकार से ठीक है तो यहाँ पर जो है दोनों दिशा में कौन सा हो रहा है ये हो रहा है क्या नहीं, नहीं? गलत हो जाएगा ये भी नहीं हो रहा है? नहीं होगा हो ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन ए जो है आपका ऑप्शन ए जो आपका सही हो जाएगा चले बयालीस का ऑप्शन ए हो सही हो जाएगा प्रश्न का तैंतालीस कह रहा है लॉ चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है सही उत्तर पर निशान लगाइए यानी कि लौ चूर्ण तो एफ एफ यू होगा लॉ चूर्ण प्लस इसमें कौन सा हम लोग जान डालते हैं बच्चों एस सी एल तो जैसे ही इसको एस यानी कि एस क्या है अम्ल अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों तो हाइड्रोजन गैस बनता है क्या बनता है हाइड्रोजन गैस और एफ जो है क्लोरिन के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा एफ यानी कि आयरन क्लोराइड तो क्या क्या बनेगा एक लवन आयरन का लवन बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो अब यहाँ पर ऑप्शन सब देख लीजिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड वो तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा डायरेक्ट तो यहाँ पर दे दिया आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ठीक है और पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है तो चौ चो, चौवीस नंबर का प्रश्न कह रहा है ये आपका दो हजार चौदह में पूछा गया प्रश्न है लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है ये धुआं ये धुआं क्या है मतलब कि ऑक्सीजन गैस का है लेड यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है नाइट्रोजन गैस का है और लेड ऑक्साइड का देखिए बच्चों लेड जो है पी बी होता है पी बी और लेड नाइट्रेट जो होता है पी बी थ्री का हॉल टू अब जब इसको क्या करेंगे एक परखने परखणाली में लेकर के गर्म करेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एन ओ थ्री जो है एनओ टू में बढ़ जाएगा यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बढ़ जाएगा इसलिए ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है चले अगला प्रश्न बे, है आपका पैंतालीस नंबर का प्रश्न है आपका प्रखणाली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बेरियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम क्लोराइड टू इस टू वन के अनुपात में लिया जाता है परख न लिखे छूने पर ठंडा महसूस होता है तो बताइए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है मान लीजिए बच्चों ये कोई चीज़ है अभी गर्म है ये कोई अभिक्रिया के पश्चात ये क्या हो गया इसको आप जब छुए तो ये ठंडा लगने लगा तो क्या है 100 परसेंट यहाँ पर उष्मा का ह्रास हुआ उसमा बनता तो ज़्यादा गर्म लगता लेकिन उसमें क्या हो गया कम हो गया तो उषमा कम, तो कम हो गया मतलब कि उसमा शोसी अवशोषण हुआ ना यहाँ पर तो उसमा शोशी अभी हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्रथम आपका जो है छियालीस कह रहा है मैग्नीशियम रिबन के मैग्नीशियम रिब रिबन को रेगमाल से रगर कर दहन की प्रक्रिया किया थी क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रोकड़ी है ऑप्शन बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है ऑप्शन सी मैग्नीशियम रिबन को काफी चमकीला बनाया जाता है ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा क्यों क्योंकि जो है वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जम जाती है तो वो जलने में क्या होती है बच्चों अवरोध पैदा कर देते हैं इसलिए उस परत को हटा करके तब उसको जलाया जाता है जलाने से पहले साफ कर दिया जाता है रेगमार से यह क्वेश्चन भी आपका पूछा

पदार्थ प्राप्त होता है दही जैसा ये कौन सी अभिक्रिया है तो दही जैसा पदार्थ प्राप्त होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा तली पर पेंदी पर बैठ जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है आपका उदासीकरण अभिक्रिया होगा क्या देखिए यहां पर एन है और ए नीचे की ओर बैठ रहा है तो अवक्षेपन अभिक्रिया होगा तो ऑप्शन सी जो है आपका ऑप्शन जो सी आपका सही हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया प्रथम अड़तालीस आपका कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कार्बन कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है इस परत का रंग कैसा होता है यानी कि कॉपर का जो चून होता है बच्चों इसको जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वायु में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बन जाता है क्यों ऑक्साइड यानी कि सी तो ये परत जम जाती है तो इस परत का जो है रंग किस कलर का होता है यानी कि रंग कैसा होता है ठीक है ये आपको आंसर करनी है तो यहाँ पर किस कलर का हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका सफेद बी काली भूरा पीला तो कौन सा कलर हो जाता है बच्चों आपका काली कलर का रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या उनचास कह रहा है दानेदार जस्ता पर तनुहा तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है यानी कि दानेदार जस्ता जस्ता क्या होता है बच्चों जिंक जेडन और इस पर तनु एस सी एस टू एस ओ फोर डाले हैं तो कौन सा अभिक्रिया की यहाँ पर कौन सा जो है गैस उत्पन्न होगा सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कोई गैस नहीं तो यहां पर देखिए बच्चों ये जे, जो है क्या करेगा हाइड्रोजन के जो है जीएफ को गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाएगा तो कौन सा गैस बन जाएगा यहां पर जो है बच जाएगा तो ये टू हाइड्रोन गैस निकलेगा तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा प्रश्न गया पचास ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का इसके बाद जो है दूसरा पार्ट में हम लोग इसी पहला चैप्टर का पैंतालीस ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं ठीक है तो अगला वीडियो भी आप लोग जरूर देखना ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है सारा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा अच्छी तरह से अमले जल का अमले जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रेडो पर क्या हो जाती है उल्टे पर उल्टे प्रख नली में जमा हो जाता है इस इन, इन इनके आयतनों में क्या संबंध होगा इनके आयतनों में क्या संबंध होगा तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि अम्ले जल का जब भी विद्युत विच्छेद यानी कि इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है इलेक्ट्रोड पर जमा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इसका जो आयतनों का संबंध है ये क्या होता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन के गैस का आयतन का दुगुना हो जाता है या फिर हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का आयतन जो है ऑक्सीजन गैस के आयतन का बराबर हो जाता है ऑक्सीजन गैस का जो आयतन है हाइड्रोजन गैस के आयतन के दुगुना हो जाता है ऑक्सीजन गैस के आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का एक चौथाई हो जाता है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तो ऑप्शन ए जो आपका सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का जो आयतन होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों आपका दुगुना हो जाता है ठीक है ऑक्सीजन गैस के आयतन से तो आई थिंक आप लोग को सब सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी तो ये सारा आपका पचास प्रश्न था इसके बाद जो हम लोग लगातार पचास और पैंतालीस प्रश्न इसी चैप्टर का देखने वाले हैं अगले लेक्चर में ठीक है अगला पार्ट में तो आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को जो है हर पार्ट हर वीडियो का आप लोग को क्या हो जाए नोटिफिकेशन नौ, नौ, जो पहुँच जाए और क्या कीजिए बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए है ना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद मेहनत में लगे रहिए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए